छोटे किसान, कर्मचारी, प्रवासी श्रमिकों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान। प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीनों तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान। बगैर राशन कार्ड वाले मजदूरों को भी मिलेगा लाभ। 67 करोड़ गरीब होंगे एक देश एक राशन कार्ड के दायरे में। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पत्रकारों से की चर्चा, बोले कोरोना की लड़ाई में हम हो रहे हैं सफल। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 4 एक्टिव मरीज, गुरुवार को बालोद में मिला एक मरीज। अब तक 60 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 56 मरीज हुए ठीक। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 58,500 क्वारंटाइन सेंटर। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत में थोड़ा सा सुधार, ऑडियो थेरेपी का दिखा सर। जोगी के हाथ के अंगूठे में दिखी हलचल, शनिवार से कोमा में हैं पूर्व सीएम अजीत जोगी। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर शिकंजा, नक्सलियों की मदद करने वाले 12 गिरफ्तार, आरोपियों पर नक्सलियों की मदद का आरोप। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबर बिलासपुर से है। छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। ये मरीज युवक बालोद का रहने वाला है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मरीज को रायपुर एम्स में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। मरीज हाल ही में मुंबई से आया था। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के 4 एक्टिव केस हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब 60 हो चुका है। 60 में से अब तक 56 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो बिलासपुर में क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता उमेश मौर्य का। उमेश, कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में हालात काबू में हैं काफी में, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि एक और पॉजिटिव मरीज मिल गया है। देखिए, जिस तरीके से बाहर से मजदूरों का आना और यात्री जो अब आने लगे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक खतरा बना हुआ है। आपको बता दूं कि बालोद में जिस तरीके से मुंबई से एक युवक आया था, 23 वर्षीय युवक, उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में जो यहाँ बिलासपुर या छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी मजदूर या जो यात्री अब यहाँ आना शुरू हो गए हैं उनकी जाँच एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। ऐसे हजारों की संख्या में यहाँ पर मजदूर आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनकी जांच करना अब आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से बालोद में एक मामला आया है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक कमजोरी वाली बात है, एक हमारे लिए दुखद बात है कि एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है जिसे एम्स में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। इसी तरीके से कई राज्यों के जो मजदूर है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी जांच करना प्राथमिकता से जांच किया जाना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और TS सिंहदेव ने भी इसके लिए आदेश जारी किया है कि तमाम जितने मजदूर जो अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं उनकी पहली प्राथमिकता होगी जांच की, लिहाजा जिले वाइज यहां पर होम आइसोलेट करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य महकमा क्वारंटाइन किया जा, मजदूर जो आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने की सलाह दी जा रही है। वहीं बता दूं कि प्रदेश में जितने जगह से जहां जहां से जो मजदूर आ रहे हैं उनको पंचायत वाइज उनके गांव में ही उनको आइसोलेट किया जा रहा है। तो जिस तरीके से मामला बढ़ा, कल जो अचानक से एक घटना हुई, एक मामला बढ़ा उसकी वजह से जो अब जो फिर से एक चिंता का विषय बन गया है छत्तीसगढ़ में। आपको बता दूं कि बिलासपुर में जब मजदूर जो आए हैं उसमें से 114 लोगों को संदिग्ध पाया गया है, उसमें खांसी और सर्दी के लक्षण पाए गए हैं। ऐसे में 37 लोगों का जो जाँच रिपोर्ट है उसे भेजा गया है, सैंपल लेकर भेजा गया है, उनकी जाँच रिपोर्ट का इंतजार है। लिहाजा इस तरीके से जितने तमाम जहाँ जहाँ मजदूर आ रहे हैं उनका सैंपल लिया जाना चाहिए। जैसे आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी ट्रेनों के माध्यम से मजदूरों को लाया जा रहा है तो एक बोगी में 56 लोग रहते हैं, उन 56 लोगों में से कम 10 लोगों का जांच सैंपल लिया जाना चाहिए ताकि उन 10 लोगों के जो सिम्टम्स पाएंगे, मान लीजिए अगर उसमें किसी 10 लोगों कोई भी संक्रमित है तो ये पूरा पता चल जाएगा कि उस बोगी में 56 लोग थे। इस तरीके से एक प्लानिंग की जरूरत है ताकि जो संक्रमण है उसे हम रोक सकें।
बिल्कुल उमेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना को लेकर हालात काबू में हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो मजदूर वापस लौट रहे हैं वो चुनौतियां बने हुए हैं सरकार के लिए, क्योंकि उन्हीं में से एक मजदूर अब पॉजिटिव पाया गया है, बालौद का रहने वाला है ये युवक। तो कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि इस भयंकर जानलेवा वायरस से मुक्ति कैसे मिलेगी। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ के हालात अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की वजह से कोरोना फैलने का संकट बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है कि प्रदेश में 56,000 स्कूल और 2500 हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। इन सभी सेंटर्स में अभी तक 52,000 से अधिक मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है। बड़ी मात्रा में लोग आएंगे, श्रमिक आएंगे बड़ी मात्रा में, और अन्य परिवार के भी लोग आएंगे, ट्रेनों से आ रहे हैं, अन्य माध्यम से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात और नियंत्रण करना बहुत कठिन, क्योंकि इतने लोगों को तक पहुंच पाना, मनवाना, उनको नियंत्रित करना, लाखों की संख्या में लोग होंगे, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इसमें कितने लोगों को नियंत्रित करके, अनुशासित करके और बचाया जा सके। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना तो कंट्रोल में है, लेकिन सियासत आउट ऑफ कंट्रोल है। महामारी में राज्य सरकार ने किसानों को बोनस देने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी ने इसे किसानों के साथ अन्याय बता दिया। आखिर क्या है बीजेपी को आपत्ति, रिपोर्ट में देखिए। कोरोना काल में अन्नदाता को मदद, धान का बोनस दे रही बघेल सरकार, बीजेपी ने बताया किसानों से छल, अंतर की राशि में कटौती पर सवाल। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के चुनावी वादे को लेकर बघेल सरकार लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। केंद्र सरकार की बंदिशों के कारण कांग्रेस सरकार ने इस साल समर्थन मूल्य 1,815 रुपए की दर से धान की खरीदी की, बाकी के 685 रुपए अलग से देने का ऐलान किया था। इस अंतर की राशि को देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई थी। इस उपसमिति की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत शेष राशि का भुगतान करने की बात कही थी। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बोनस के बदले किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की मदद 4 किश्तों में देने का फैसला किया गया। 20 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लॉन्च करेंगे, जिसमें सीधा किसानों को लगभग 19 लाख किसानों के खाते में प्रथम किस्त की राशि पहुंचना शुरू हो जाएगा। लगभग 10,000 रुपया प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी, जो 4 किस्तों में होगी, और केवल धान फसल नहीं बल्कि गन्ना और मक्का के जो फसल ले रहे हैं उन किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। इधर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी को लेकर बीजेपी किसानों के साथ धोखा बताती है। अब बीजेपी का आरोप है कि बघेल सरकार किसानों को अंतर की पूरी राशि देने की बजाय केंद्र सरकार की आड़ ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का वादा किया था, लेकिन अब प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दे रही है। ये सरासर वादा खिलाफी है। और मुझे तो लगता है कि किसान न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम 4 किस्तों में देंगे। किसानों को जो पैसा फरवरी मार्च में मिल जाना चाहिए था, आज मई का मध्य आ गया है, अभी तक पैसा नहीं मिला है, और 21 मई से देने की बात करें और 4 किस्तों में देंगे। 4 किस्तों का पैसा भी कब तक देंगे? मई में देंगे, जून में देंगे, जुलाई में देंगे, अगस्त में देंगे, कब तक देंगे? तो ये न्याय योजना नहीं है, किसान अन्याय योजना है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की व्यवस्था है। इस हिसाब से अंतर की राशि 10,275 रुपए होती है। नई योजना में सरकार ने 10,000 रुपए प्रति एकड़ की मदद देने का ऐलान किया है। इसी को आधार बनाकर बीजेपी मुद्दा बना रही है। बहरहाल लंबे समय से अंतर की राशि का इंतजार कर रहे किसानों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं। 21 मई से उन्हें सहायता की पहली किश्त मिल जाएगी, यानी प्रति एकड़ 2,500 रुपए की दर से राशि उनके खाते में आ जाएगी, जो कोरोना संकट काल में उनके लिए बड़ी मददगार होगी। अभिषेक शुक्ल के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज़, रायपुर।
लॉकडाउन के बीच बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट अर्पण नदी के सौंदर्यीकरण पर काम शुरू हो गया है। अर्पण नदी के किनारे न्यू रिवर व्यू का निर्माण होना है, जिसके चलते मुख्य सचिव आरपी मंडल बिलासपुर पहुंचे। इंदिरा सेतु पुल से लेकर रिवर व्यू रोड और पछरी घाट चौपाटी का उन्होंने मुआयना किया। इस दौरान कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और बिलासपुर रेंज के आईजी दीपांशु काबरा मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंदिरा सेतु पुल से न्यू रिवर व्यू तक 800 मीटर रोड का 30 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। पीसीसी उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने बताया है कि अर्पा नदी का सौंदर्यीकरण और न्यू रिवर व्यू सीएम भूपेश बघेल का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और जल्द ही ये आकार लेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले प्रवास में कहा था कि मुझे अर्पा को संरक्षित करना है, और अर्पा के संरक्षण के लिए उन्होंने अभी सबसे पहले जो 60 करोड़ रुपए अर्पा में बैराज के लिए मिले हैं। अभी जो बात हो रही है कि अर्पा के दोनों के किनारों का डेवलपमेंट करना है, अर्पा को बचाते हुए अर्पा के संरक्षण में। अभी अर्पा में सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कारण है कि लोग यहाँ पर मटेरियल डंप करते हैं, कचरा डंप करते हैं। तो जिस तरीके से अब अर्पा के दोनों साइड सड़क बनकर और वृक्षारोपण हो जाएगा, तो उससे अर्पा संरक्षित होगी। इसके लिए आज चीफ सेक्रेटरी महोदय यहाँ आए थे कि समय अपने पास कम बचा हुआ है, बरसात का समय आने वाला है, इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी टेक ओवर किया जाए, ताकि ये बिलासपुर का जो विकास का कार्य है, अर्पा को संरक्षित करने का कार्य है, वो अच्छी तरीके से हो सके। उन्होंने फेस वाइज बात की है कि हम फर्स्ट फेस में किसको लेंगे, सेकेंड फेस में किसको लेंगे, क्योंकि पूरी अर्पा को संरक्षित करने की बात है। तो आज उन्होंने पूरे एंड्स को देखा, जो एक टेंडर हो चुका है, जो अर्पा के पुराने पुल से इंदिरा सेतु के साइड का जो राम मंदिर साइड का इलाका है, उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू करने का उन्होंने निर्देशित किया, और उसके अपोजिट साइड में कैसे काम होगा, उसकी फंडिंग की व्यवस्था कैसे की, उसका प्रोजेक्ट बट जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो ये हमारे बिलासपुर के लिए बहुत अच्छी पहल है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कोंडागांव में दरियादिली दिखाते हुए मजदूरों की मदद की है। दरअसल आबकारी मंत्री कवासी लखमा जगदलपुर प्रवास में कोंडागांव रेस्ट हाउस में पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने प्रवासी मजदूरों के पैदल जाने की बात मंत्री जी को बताई, जिसके बाद मंत्री ने मजदूरों से मुलाकात की और 3000 रुपये मजदूरों को आवश्यक सामान खरीदने के लिए दिए हैं। साथ ही मंत्री ने मजदूरों को राशन पानी की व्यवस्था नहीं करने के लिए ठेकेदार पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। हमारे कलेक्टर को बोल दिया हूँ कि हमारा मंत्री प्रेम साय सिंह जगदलपुर प्रभारी जिला का है, प्रभारी मंत्री है, वहाँ उस घर तक आके प्रशासन के लोग छोड़ेंगे, उसके बाद वो क्वारंटाइन में रखेंगे, और उनके ठेकेदार के ऊपर मैं थानेदार को निर्देश करके जा रहा हूँ, उनको एफआईआर दर्ज होगा और इनका 12 महीना का पैसा भी देगा दिलाएंगे और उनको केस भी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। इसी कड़ी में आज मजदूरों का जत्था बस्तर संभाग के चोकावाला से अपने गृह ग्राम बलरामपुर की ओर पैदल यात्रा करते हुए जगदलपुर पहुंचा, जहां से ट्रक में बैठकर कोंडागांव मजदूर पहुंचे हैं। इस दौरान मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन होने के चलते कुछ दिन तक ठेकेदार खाने के लिए राशन दे रहा था, लेकिन अब राशन भी देना बंद कर दिया है। वही मामले को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि कोरोना महामारी के समय किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। कोरोना बीमारी महामारी के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको जगह नहीं है तो राजनीति करेंगे, लेकिन हमारा सरकार, हमारा मुख्यमंत्री हमेशा रात से रात दिन मेहनत कर रहा है, प्रशासन के लोग भी, हमारे सरपंच लोग भी, जनप्रतिनिधि लोग भी लगातार भिड़े, इसी का परिणाम तो बीजेपी राज इंदौर में है, यहाँ जाके लोग राजनीति करे, और गुजरात में क्या हाल है, हमारा छत्तीसगढ़ का क्या हाल है, वो सब दुनिया देख रहा है। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की वापसी पर खर्च किए गए राशि को लेकर बीजेपी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। रायपुर में बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार विभिन्न राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों की वापसी के नाम पर कोई ठोस काम करने के बजाय सिर्फ टाइम पास करने में लगी हुई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना से जारी जंग का सारा खर्च तो केंद्र सरकार ही वहन कर रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार का योगदान तो शून्य ही है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर पीएम से सवालों का जवाब मांगने की चुनौती दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 1,60,000 मजदूरों को लाने के लिए प्रदेश शासन ने क्या व्यवस्था की है, कितने ट्रेनों की कब कब केंद्र से मांग की गई है और कितने ट्रेनें हमको मिली है, यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री राहत कोष में 56 करोड़ रुपए की धनराशि जमा हुई है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ का हिसाब तो सार्वजनिक कर दिया, ये 46 करोड़ रुपया कहाँ खर्च होने वाला है? छत्तीसगढ़ सरकार ने किस किस मद में कितना खर्च किया है ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, केंद्र की सरकार ने 1 रुपये भी राहत के नाम पर दिया नहीं है और यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हिसाब किताब मांग रहे हैं। ये तो ऐसा है कि शादी हुई नहीं है और बच्चे के नामकरण के बारे में अभी से विवाद चालू हो गया है। भैया पहले पैसा दे दो और उसके बाद में हिसाब किताब, विधानसभा है ना, विधानसभा में पूरा हिसाब किताब पूछ लेना। महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ से ये मजदूर पैदल ही अपने गांव को लौट रहे हैं। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मई की तपती धूप में नंगे पैर ही चल पड़े हैं, जिसके चलते कई बच्चों के पैरों में छाले आ गए। बावजूद इसके इन बच्चों का हौसला बुलंद है। उनका कहना है कि वो गाँव जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। दूर दूर प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, साथ में कुछ छोटे बच्चे भी हैं। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे हैं। कहाँ से आ रहे हो बेटा? मुंबई से, उल्हासनगर। अच्छा, आप भी मुंबई से? जी, उल्हासनगर से आ रहे हैं। जा रहे हो? झारखंड। झारखंड में चप्पल नहीं है आपके? नहीं है चप्पल? नहीं है। नहीं है? नहीं है। थके हो? पैदल चलते चलते? हाँ सर। क्या खाना पीना भी मिल रहा था या यहीं आके मिला है? यहीं आके मिला था, अकेला वाला मिलता है। यहीं पे मिला है? हाँ। क्या करते हो वहाँ पे मुंबई में? पढ़ता है। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? आप झारखंड जा रहे हो? हाँ। वहाँ भी जाके क्या पढ़ाई करोगे? क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करोगे? तो यहाँ मुंबई की पढ़ाई तो बंद, वापस जाओगे क्या मुंबई? पता नहीं, बोलो। पापा जाएगा तो आप क्या करोगे? हाँ, हम झारखंड जाके पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करोगे? जी। मुंबई में भी पढ़ते थे? हाँ। कैसे पढ़ाई करोगे वहाँ? क्या स्कूल में नाम लिखाएंगे इनका आपका? हाँ, वहाँ पे नाम लिखाएंगे जाके। नाम लिखाओगे जाके? हाँ, स्कूल खुलेगा तब। खुलेगा तब? जी। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और मुंबई में इनके माता पिता मजदूरी करते थे, वहाँ पर पढ़ते भी थे। अब बिना चप्पल के पहुँचे हैं, कई काफ़ी दूर ये पैदल नंगे पाँव पहुँचे हैं, चिलचिलाती धूप में थक गए हैं। यहाँ पर कुछ जगह स्वयंसेवी संस्थाओं ने इनको खाना ज़रूर दिया है। ये बच्चों को उम्मीद है कि झारखंड जाएंगे, अपने घर जाएंगे तो वहाँ भी पढ़ाई करेंगे जब स्कूल खुलेगा, लेकिन शायद इन बच्चों को पता नहीं है कि कब इनके मजदूर माँ बाप वहाँ पर उनको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा। शायद भविष्य की बहुत सी चीज़ों से अभी ये बच्चे अनजान हैं, लेकिन सपने इनके अभी भी बहुत बड़े हैं। पैदल ज़रूर चले हैं नंगे पाँव, लेकिन थके नहीं हैं। बुलंद सपने, ऊंचे सपने और अपनी पढ़ाई के सपने ये बच्चे जरूर देख रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो देखा आपने, संकट की इस घड़ी में, बुरे वक्त में इन बच्चों के चेहरे पे अभी भी मुस्कान है। बढ़ेगी आगे, लॉकडाउन के चलते देश भर में फंसे मजदूर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। हाईवे पर मजदूरों के पलायन के दर्द को साफ देखा जा सकता है। वहीं अपने घरों की ओर निकले इन मजदूरों को जगह जगह रोका तो जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य जांच के नाम पर औपचारिकता निभाई जा रही है। मेडिकल जांच के नाम पर ब्लड प्रेशर जांचा जा रहा है। ऐसे कुछ मजदूरों से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत कश्मीर ने। बस्तर ग्रीन जोन में है, यहाँ कोई भी अभी फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाया नहीं गया है, लेकिन लगातार बस्तर के रास्ते कई ऐसे मजदूर जो आप देख सकते हैं, लगातार जो परेशान मजदूर हैं वो लोग बस्तर के रास्ते अपने अपने गांव, अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से परेशानी इनको झेलना पड़ रहा है और साथ ही साथ किस तरीके से ये जब बॉर्डर पार कर रहे हैं तो इनको क्या कुछ असुविधा या सुविधाएं मिल रही है। बताएंगे कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दामनजोड़ी। अच्छा, दामनजोड़ी से आप लोग जब बॉर्डर पार किए यहाँ पे, तो आप लोगों से क्या कुछ बातचीत हुई? कुछ बात नहीं हो सर, ऐसे जैसे वो खाली नाम हम बस लिखा वो चेक पोस्ट पे, उसके बाद बोला गाड़ी आएगा तो डाल चगा देंगे हम लोगों को। आप लोगों का किसी प्रकार का कोई टेस्ट हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ। किसी भी का, इतने सारे लोग, किसी का भी कोई टेस्ट नहीं हुआ? टेस्ट नहीं, वो खाली वो क्या बोलते हैं उसको, वो बीपी बस टेस्ट किए, चेक किए बस। तो देखिए कि किसी प्रकार से कोई टेस्ट नहीं हुआ और इतने सारे लोग एक साथ अगर जा रहे हैं और किसी एक को भी अगर कोरोना संक्रमण ने अगर घेर रखा हो तो बाकी सारे लोगों का भी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। हम बालक जिला से रहे सर। कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? जामनजोड़ी से आ रहे हैं। क्या काम करने गए थे वहाँ? वो रेलवे काम रहेगा, छोटा मोटा काम रहेगा, वहाँ पे कर रहे थे। जिनके पास काम कर रहे थे उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी आप लोग? नहीं दिया जी।
40 दिन ऐसा खाली पीली बैठा था, खाना पीना कोई भी नहीं दिया। तो ऐसा भी कोई दिन गुजरा जिस दिन आप लोगों को भूखा रहना पड़ा हो? अपने पैसे से खाया, पैसा खत्म हो गया, फिर पैदल निकल गए हम लोग। अच्छा, बॉर्डर पार किए या फिर वहाँ से जब आप लोग निकले तो किसी प्रकार का कोई टेस्ट वेस्ट किया गया आप लोगों का? बीपी टेस्ट किया सर। सिर्फ एक बीपी टेस्ट करके इन मजदूरों को छोड़ दिया गया और इनकी जान की परवाह नहीं की गई है, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव होगा तो बाकी अन्य जो मजदूर है उनकी भी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। ऐसे में प्रशासन को होना चाहिए कि इन मजदूरों की कम से कम जान की परवाह की जाए, इन्हें इनका टेस्ट करवाया जाए, कोरोना टेस्ट, उसके बाद जो है इन्हें बॉर्डर पार करवाया जाए। साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दिन ऐसे गुजर जा रहे हैं जब ये पैदल चल रहे हैं, तो कई दिन ऐसे गुजर जा रहे हैं जब इनको भूखा रहना पड़ रहा है। रास्ते में अगर कोई समाजसेवी संगठन या कोई निजी संस्था इन्हें जब खाना खिलाती है तभी ये लोग खाना खा पा रहे हैं, नहीं तो इनके पास पैसे भी नहीं है कि ये खाने को खरीद सके और खा सके। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजवीय, बंसल न्यूज़, जगदलपुर। बिलासपुर में लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार बिजली विभाग को उठानी पड़ रही है। दरअसल लॉकडाउन के चलते विभाग में बिजली बिल की राशि का भुगतान पेंडिंग है। सिटी सर्किल का बिजली का बिल 60 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। निजी उपभोक्ताओं के साथ ही सरकारी विभागों से भी बिजली बिल की वसूली नहीं हो सकी है। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने बकायेदारों से बिजली का बिल जमा करने की अपील की। हमारे यहाँ सिटी सर्किल में दो डिवीज़न है, डिवीज़न वन और डिवीज़न टू, दोनों को मिलाकर बकाया राशि 60 करोड़ है, और जिसमें से नगर निगम का ही 35 करोड़ है। हमारा मोर बिजली है, मोबाइल है, उसकी भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं पब्लिक में, और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसके माध्यम से भी बिल पे करें। और हमारी ATP मशीन भी अभी सभी जोन में खुली हुई हैं, और ATP खुलने के बाद काफ़ी अभी पेमेंट आ भी रहा है, और हम लोग कुछ ग्रुप के माध्यम से भी लोगों से टच में हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि अपनी बकाया राशि को जमा करें। जशपुर की फरसाबहा जनपद पंचायत में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जनप्रतिनिधियों और जनपद पंचायत CEO के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच जनपद CEO सुभाष चंद्र कछवाहा का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें CEO अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए निर्माण कार्यों में लेन देन की बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने शिकायत कर CEO को हटाने की मांग की है। वहीं CEO वीडियो में खुद के होने से इनकार कर रहे हैं। पंचायत में सचिवों के द्वारा 5% की मांग किए जाते और मैंने हम लोग भी जनपद में जाते हैं, तो मैंने वहाँ हम लोग से भी मैंने सही बातचीत में नहीं देते बोलते हैं। ये सब आरोप निराधार है, क्योंकि 14 फाइनेंस का पैसा सरपंच सचिव के खाते में जाता है। इन लोग 2 महीना पहले 7,29,000 रुपये का आहरण किए हैं, इसमें 6,29,000 रुपये उप सरपंच के नाम में निकाले हैं, जिसमें से 3,92,000 रुपये स्ट्रीट लाइट के नाम पे निकाला गया है। आप स्वयं जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। और जब मैंने उनको जाकर डांटा है कि भाई आप काम कराइए, तो निराधार आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क को पकड़ा। मामले में पुलिस ने गुरुवार को लैंडमार्क इंजीनियर के मालिक निशान जैन को गिरफ्तार किया। पकड़ाया गया आरोपी नक्सलियों के साथ के कारण गुड़गांव और दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंचकर 18 साल में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। जानकारी के मुताबिक लैंडमार्क इंजीनियर के नक्सल प्रभावित इलाकों में 25 ठेके चल रहे हैं। इसी के आड़ में आरोपी निशान जैन अपने कर्मचारियों के माध्यम से नक्सलियों तक सामान पहुंचाता आया था। बदले में उसे नक्सली प्रभावित क्षेत्र में काम करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। नक्सली पूरी तरह उसका सहयोग भी करते थे। इसी के चलते निशांत नक्सल इलाकों में ही ज्यादातर ठेके लिया करता था। गिरफ्तारी नक्सली मामले में होना चिंता का भी विषय है, और जिस क्षेत्र में काम करते हैं तो कहीं न कहीं नक्सलियों के प्रेशर में आके उनको फंडिंग और उसके मदद के आधार पर ये काम करते हैं, लेते हैं इस तरीके का, और इसी का ही ये परिणाम है कि ये पुलिस इस तक पहुंची। उनका जो सप्लाई लाइन टूटता है कहीं, तो उनको जो सामान के लिए चाहिए, जो ड्रेस चाहिए, जूते चाहिए, सामान चाहिए, आर्म्स एमिनेशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ जब फंडिंग रुक जाता है तो कहीं न कहीं उनको नुकसान तो बहुत होगा।
बिलासपुर में पुलिस की विशेष टीम ने नक्सलियों को मदद पहुंचाने वाले और नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के रूप में काम करने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कांकेर पुलिस की 6 सदस्यीय टीम ने बुधवार को बिलासपुर के निशांत जैन को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने नक्सलियों को मदद पहुंचाने वालों का खुलासा किया, जिसके बाद टीम ने दबिश देकर 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये वो लोग हैं जिनकी कंपनी ने राजनांदगांव और नक्सली इलाकों में सड़क निर्माण के ठेके लिए थे। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के रूप में काम करने वाले 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई बस्तर रेंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दूं, बस्तर रेंज ने एक टीम गठित की है, SIT टीम गठित की है। ये 6 सदस्य टीम ये उन आरोपियों को पतासाजी कर रही थी जो नक्सलियों की लगातार मदद कर रहे थे, और ये ऐसे समय में मदद कर रहे थे जो जहाँ पे सड़कें बन रही थी, जहाँ कई सड़कें बनाई जा रही थी PMGSY के माध्यम से, वहाँ के सड़कों के निर्माण में लगातार इनके द्वारा उनको मदद की जा रही थी, इस एवज पे कि उनके कार्य में नक्सली किसी प्रकार का बाधा ना बने। लिहाजा बिलासपुर से भी एक ऐसे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है। वो है निशांत जैन, जिनका लैंडमार्क के नाम से काम चलता है, वहाँ पे ये रोड निर्माण का कार्य करते हैं और इनके ऊपर भी आरोप लगा है। यही वजह है कि कल कांकेर की 6 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुँची थी और निशांत जैन को गिरफ्तार करके ले गई है। कल 10 बजे वो टीम यहाँ पहुँची थी और यहाँ से उन्हें उनके घर से गिरफ्तार करके ले गई है। उनके पास से 2 मोबाइल को जब्त किया गया है और उन्हें सीधा कांकेर ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल जिस तरीके से शहरी नेटवर्क के माध्यम से ये पता चल रहा है कि शहर में भी नक्सलियों के लोग हैं, उनको मदद लगातार कर रहे हैं, उनको वर्दी, वॉकी टॉकी, वायर, इस तरीके के तमाम जो चीज़ें हैं, जरूरत की चीज़ें हैं, वो नक्सलियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तारतम्य में बिलासपुर में भी एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें निशांत जैन को संलिप्तता पाई, इनके द्वारा उन नक्सलियों को मदद करना पाया गया। लिहाजा पुलिस कांकेर जो है वो यहाँ पर पहुंची, SIT की टीम पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। बहरहाल देखना होगा कि किस तरह की आगे कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। तो चलिए अब देखिए इंटरनेशनल सुपरफास्ट और उसके बाद देखिए मेरे साथ और भी कुछ खबरें। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार। दो मिनट के लिए आना पड़ देगा ना यार, सूसू लगी बहुत तेज। तो नमस्कार नहीं करना था यार। अरे ऐसे बोल देते, नमस्कार नहीं बोल।